नमस्कार। मैंने पिछले आपका वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो मतलब एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिबिल इंडिया के सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो आज मैं उसी का जानकारी लेकर आया हूं, जिसको जान करके पता लग जाएगा इसके सारे प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। आप सभी को थोड़ा बहुत पता है कि आजकल के जीवन शैली ज़्यादातर फास्ट हो गया, जिसके चलते हम हर चीज़ पर फास्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, और इसका चलते हुए हम चाह करके भी हम एक्सरसाइज योगा प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते हम कई सारे बीमारी को आमंत्रण किए हैं। और उसमें से एक है जॉइंट पेन, यानी मेडिकल भाषा में कहे तो आर्थराइटिस, या उसको गांठिया भी बोलते हैं, जिसको जोड़ों दर्द भी कुछ लोग कहते हैं, संधिवात भी कुछ लोग कहते हैं। हम थोड़ा संधिवात के कितने प्रकार और किस अवस्था में होता है थोड़ा जान लेते हैं। ऑलमोस्ट आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, फिर भी कॉमनली आर्थराइटिस को टू टाइप ही माना जाता है। एक है ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस, जो कि जोड़ के जो कैटिलेज होता है वो कैटिलेज जब खिसक जाता है, और ये एवरी एज में हो सकता है, इसको ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत मुश्किल वाला चीज़ है ये। और एक है रिमेटेड आर्थराइटिस, नेक्स्ट जो आता है रिमेटेड आर्थराइटिस, जो कि ये दर्द होता है और दर्द के साथ साथ एक सूजन भी होता है, एक एक क्या होता है मतलब जॉइंट के ऊपर वो फूल जाता है, सूजन हो जाता है, जो कि हमारा जो जॉइंट के बीच में जो साइनोवाइल फ्लूइड बोलते हैं, जो लुब्रिकेंट ऑयल की तरह काम करता है हमारा हड्डी के बीच में, तो वो ख़त्म होने के बाद ये दर्द शुरू होता है। और ये ज़्यादातर तो 40 साल के बाद होता था पहले, आजकल तो 30-35 साल के अंदर भी ये होना शुरू हो गया। तो मैं और ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन ना करके हमारे यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो एक चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको मान के चलिए सूजन हुआ है या मतलब उसका स्वेलिंग हो गया, उसका पता लगाइएगा, गलती से वहाँ ये तेल को मत लगाइएगा, क्योंकि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, और यूरिक एसिड का जिसका प्रॉब्लम है वो सूजन होता है। तो यूरिक एसिड का यदि प्रॉब्लम है तो ये तेल को ना लगाए, थोड़ा ध्यान रखें। ये मैं आपको हमारा जो यहाँ जो दो प्रोडक्ट है खास करके इसी चीज़ के लिए इलाज के लिए, एक है श्री संजीवनी पेन रिलीविंग ऑयल और दूसरा जो है श्री संजीवनी पेन किलर ऑयल। ये दोनों बराबर का ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक अब जो पेन रिलीविंग ऑयल है इसको आप सुबह लगाएं, और आपने जो पेन किलर ऑयल है इसको आपने रात को लगाए तो बेहतर है। ये आपका गर्मी दिन में ऐसा करें, सर्दी का दिन में आप इसको उल्टा कर देंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जिसमें कि नीलगिरी तेल, नारायणी तेल, महामास तेल, तारपीन तेल, साथ में पुदीना, लौंग, कर्पूर आदि अनेक जड़ी बूटी से प्रस्तुत किया गया, जो कि आर्थराइटिस यानी गांठिया, स्पॉन्डिलाइटिस यानी बैक पेन जो रीढ़ का हड्डी व गर्दन का दर्द कहते हैं, स्लिप डिस यानी खंजा खिसक जाना, खंजा खिसक करके जो दर्द होता है, साइटिका यानी नर्व पेन जिसको हम हिंदी में स्नायु दर्द भी बोलते हैं, मायोसाइटिस जिसको मस्कुलर पेन है यानी पेशी दर्द कहते हैं, एल्बो पेन, नी जॉइंट पेन, स्प्रेंस यानी कि जो सूजन मैंने आपको पहले से बोल चुका सूजन होता है उसका दर्द को भी ये आराम देता है। पहले मैंने आपको फिर दोबारा बता दे, तो पहले वाला को आप सुबह लगाएं और दूसरे को शाम में लगाएं, और ज़्यादा दर्द हो तो 3 बार भी लगा सकते कोई भी तेल को। इसको लगा के हल्के हाथों में घुमा घुमा के बिना दबाव में मालिश करें, देखिए कुछ दिन के अंदर ही आपको सारे दर्द का परेशानी दूर हो जाएगी। और साथ साथ में दिन में 15-30 मिनट हल्के हल्के अंदाज में कुछ व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करें, प्राणायाम वगैरह करें, तो आपको जल्दी राहत मिलेगा। और इसका क्वालिटी और कीमत देखे तो बाहर मार्केट से कई गुना कम है। आपको जो पेन रिलीविंग ऑयल है वो आपको 250 रुपये में मिलेगा, और पेन किलर जो ऑयल है आपको 230 रुपये मिल जाएगा, और इसका 100 ml का, और इसका PV जो पेन रिलीविंग ऑयल का PV है 12 और जो पेन किलर का PV है 10। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरे में आता है श्री संजीवनी त्रिफला चूर्ण। आपका जानकारी के लिए और एक बात बता दूं, त्रिफला जो कि भारत की 5000 साल पुराना आयुर्वेद का पहले दवाई में से एक है। आयुर्वेद को ठीक से जानने को तो हमको कहीं भी बीमार 3 मुख्य कारण ही होता है, जिसके कहते हैं वात, पित्त और कफ। और ये त्रिफला यानी आंवला, जिसको इंग्लिश में आंवला की, और जो कि शरीर के इंटेस्टाइनल पार्ट को रिपेयर करता है। बाहड़ा यानी जिसको कहते हैं विविधता, जो कि शरीर के गंदगी को साफ करता है, और जितने भी मतलब म्यूकस होता है हमारा इंटरनल मसल्स के अंदर जो
ट्यूब वगैरह में जमा रहता है उसको रिमूव करता है, उसको निकालता है। नेक्स्ट है हरिडा, हरित की, जो कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ द इंटेस्टाइनल मसल, जो कि हमारा मसल्स को स्ट्रांग करने में काम आता है, जिसको हरित का यानी हरिडा कहते हैं। और ये पेट के हर समस्या को, जैसे IBS बोलते हैं, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जैसे पेट का जलन, जो इंग्लिश में बर्निंग कहते हैं, वायु दोष जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं, पेट दर्द यानी एब्डोमिनल पेन, ठीक से हजम ना होना इनडाइजेशन, पेट ठीक से साफ ना होना कॉन्स्टिपेशन, अम्ल एसिडिटी आदि को ठीक करने के साथ साथ खून को साफ करता है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम करता है। मेद के कमी यानी फैट व वजन को नियंत्रित करता है, बैलेंस द वेट करने में भी अहम भूमिका होता है। और इसके विटामिन सी भरमार चलते हुए ये शरीर को बीमार से लड़ने का यानी इम्यूनिटी बूस्टर को भी रूप से पहचाना जाता है, इसलिए इसको आयुर्वेद में अमृत जीवनी या नेक्टर ऑफ लाइफ के रूप से देखा जाता है। इसको रोज सुबह खाली पेट में एक चम्मच एक ग्लास सिबिल आलमंड अमला हेयर है। आपको ये भी जरूर पता होगा हमारे चेहरे के रूप के आकार देने में हमारे सिर के बाल कितने अहम भूमिका निभाता है और बिना बाल के हमारा रूप कितने बदल जाता है। इसके बचाव के लिए सिबिल इंडिया लाया है एक बेहतरीन हर्बो केयर हेयर ऑयल, जो कि पूरी तरह 100% हर्बल जड़ी बूटी से तैयार हुआ है, जैसे आलमंड जिसमें प्रचुर परिमाण के मैग्नीशियम रहता है जिसके वजह से बाल मजबूत रहता है, और आंवला जिसमें विटामिन सी और कैल्शियम के उपस्थिति की वजह से बाल जल्द सफेद नहीं होता। आप देखेंगे आजकल के 20-30 साल के उम्र के अंदर भी लोग का बाल सफ़ेद हो जाता है, जो कि पहले 40 साल के बाद सफ़ेद होता था। तो ये बात को यदि यही हेयर ऑयल को लगा जाए तो जल्द बाल सफ़ेद भी नहीं होगा। दूसरा है टील ऑयल, सेसामम इंडिकम जिसको बट निकालने में, ये स्काल को मजबूत करता है। आप क्या स्काल को मजबूत क्या करना क्या जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने देखें कोई भी पेड़ होता है तो उसका यदि जड़े मजबूत नहीं होगा, वहाँ की मिट्टी मजबूत नहीं होगा तो वहाँ वो मतलब पेड़ जल्दी गिर जाता है। इसी तरह हमारा हेयर को मतलब स्काल्प यदि मजबूत नहीं रहेगा तो हेयर को कैप्चर करके नहीं रख सकता, मजबूत करके नहीं रख सकता, इसलिए ये चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट है आयोडीन, जिसमें कि आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, जो कि सिर में कई इन्फेक्शन या घाय फुंसी वगैरह हो जाता उसको रोकता है। नेक्स्ट है ओक्टाइल मेथोक्सिसिनामेट, एक अहम साल्ट है जो कि सूर्य के तेज रश्मि के सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है टाकोफेराइल एसिटेट, जिसमें मौजूद विटामिन ई बाल ई जो बाल को दो मुहा से बचाता है। और एलो बारबेडेनिस यानी कि एलोवेरा, जिसको मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ, घृत कुमारी, जो कि सिर पे रूपी यानी कि डेंड्रफ होने नहीं देता, साथ साथ सिर का ठंडा रखने में मदद करता है। और एक है भट्टी भेरा जिजानोइड्स, जो आप देख रहे हैं एक मतलब जड़ी बूटी की तरह दिख रहा है, इसको खास भी बोलते हैं और हिंदी में कुश भी बोलते हैं, जो कि स्किन के इचिंग से बचाता है। और इस तेल को हफ्ते में 4 दिन लगाए, मतलब हर रोज रात में ही लगा के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लगातार 3-4 महीने ऐसे लगाएंगे तो खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इसका कितने क्वालिटी है और किस हिसाब से ये आपका बेहतरीन हो रहा है आपका सिर का बाल के लिए। नेक्स्ट यही जो है ये बाज़ार में इसी क्वालिटी का तेल 400-500 रुपये से कम से मिलता ही नहीं है, लेकिन यही तेल सिविल से आपको मिल रहा है मात्र 155 रुपये में, और साथ में उसका जो PV है 5.5। सिविल एंटी डेंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू, मैं आपको बता दूं शैम्पू कितने भी क्वालिटी वाला हो रोज ना लगाए तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर शैम्पू बाल को नुकसान ही पहुंचाता है। और ये यहाँ भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लोग शैम्पू का कंप्लेन नहीं करते हैं शैम्पू लगाने के बाद बाल गिर रहा है। नॉर्मली जो बाल गिरता है वो दिन में 30-40 बाल गिरता ही है, ये आपने किसी भी आपका हेयर एक्सपर्ट से बात कर लीजिए।
फिर भी कुछ लोग को शैम्पू जैसे भी हो जरूरत होता है, इसलिए सिविल ने ये बहुत ध्यान के साथ ये तैयार किया है और इसके बस हफ्ते में एक बार या दो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दो बार लगाइए तो आपको जो मतलब बेहतरीन के लिए आपको बाल का हेल्दी के लिए चीज़ आपको किया जा रहा है, जिसमें से आपका जो भी डेंड्रफ है या जो भी मतलब ऐसे बाल का कचरा डस्ट वगैरह वो साफ़ हो जाएगा। और इसका कीमत भी बहुत कम रखा जाए, जो कि इस क्वालिटी का शैम्पू में यदि देखा जाए तो कहीं मात्रा में कम है। और इसका कीमत मात्र 145 रुपये है और इसका पीवी भी रखा गया 4.5। नेक्स्ट आया सिविल बॉडीवर, शरीर में पसीने के साथ कहीं सारे बैक्टीरिया भी निकलता है, जिसको दूर करने के लिए पहले के लोग स्नान ही करते थे, लेकिन समय के साथ बदलते बदलते फिर मिट्टी, हल्दी के साथ स्नान, दूध के साथ स्नान आदि बहुत सारे तरीके से स्नान करने लग गए, नहाने लगे, लेकिन फिर उसके धीरे धीरे साबुन के रूप दे दिए, लेकिन साबुन के क्षारीय अंश होने की वजह से शरीर के कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया जो हमारे स्किन को सुरक्षा करता है वो भी खत्म हो जाता है, जिसके ध्यान रखते हुए ये बॉडी वॉश प्रस्तुत किया गया। इसके डीमिनरलाइज वाटर यानी कि शोधित जल, इथेरेन डायमिन टेट्रा एसिडिक एसिड जिसको EDTA बोलते हैं, ये हर प्रकार पानी में भी फोम कैसे करता है उसके लिए ये डाला गया है। कोको डायथानामाइड जो कि नारियल तेल का एक फोमिंग एजेंट है, सोडियम लुराइल इथर सल्फेट जो एक लुब्रिकेंट एजेंट की तरह काम करता है, जैसे हम बॉडी में इसको लगाएंगे तो पूरी तरह स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम लुराइल सल्फेट जो कि हमारा बॉडी में जो पसीने की वजह से जितना भी डट होता है, ऑयली लेयर होता है, ये सारे को रिमूव करता है। नेक्स्ट कोको अमीनो प्रोपाला वेटिन जो कि ये हमारा स्किन के अंदर यदि कोई इरिटेशन का प्रॉब्लम होगा तो उसको दूर करेगा। ग्लिसरीन जो कि ड्राइनेस को और रफ स्किन को ये दूर करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है DM हाइड्रेशन जो कि पूरा स्किन को, त्वचा को ये मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और एक है 2-phenoxythenol जो कि ऑडर को, जो पसीने की वजह से जो गंदगी होता है शरीर में, जो ऑडर होता है उसको भी ये रिमूव करता है। नेक्स्ट है Polyquaternium-7, ये एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह काम करता है और ये हेयर को फ्लेक्सिटिव हिसाब से काम करता है, जैसे क्योंकि हमने मल्टीपर्पज के लिए कभी कभार यूज कर लेते हैं, मतलब बॉडी शैम्पू को हमने सिर में भी लगाते हैं हेड शैम्पू की तरह, ये मल्टीपर्पज लगा सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आप लगा सकते हैं, तो ये काम करने का मतलब काम करने के लिए ये डाला गया है। नेक्स्ट है पायरस मालस जो कि ग्रीन एप्पल, इसका ग्रीन एप्पल जो कि हमारा स्किन का त्वचा को पूरी तरह सतेज रखेगा, उसका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट डाला गया है। और एक है एलो बारबाडेनस एक्स्ट्रा जो कि आप जानते हैं एलोवेरा। और एक है सोडियम PC जो कि इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ हेयर, जो हम इसको यदि हेयर में लगाते हैं यानी कि सिर में लगाते हैं तो ये हमारा टेक्सचर को, हेयर स्ट्रक्चर को ठीक करता है, इम्प्रूव करता है। इसलिए ये जितने भी ये सारे, ये एक एक, एक प्रकार सॉल्ट डाला गया, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। त्वचा के जितने भी गंदगी और बदबू को साफ करने का साथ साथ उसका सतेज रखता है और बिना कोई नुकसान के। इसका 200 ml को पूरा बोतल मात्र 255 रुपये में मिलता है और उसका PV होगा 12.5। नेक्स्ट है सिविल हैंड प्रोटेक्टर जो कि आजकल हैंड सैनिटाइजर के हिसाब से ज़्यादा यूज होता है और उसको देखते हुए ये चीज़ बना गया, आजकल अहम रोल निभा रहा है ये। हमारा शरीर के कहीं भी बैक्टीरिया वायरस को मतलब पहुंचाने के लिए हमारा हाथ का पहला भाग होता है, क्योंकि हर काम पे पहला हाथ ही पहुंचता है, इसलिए हमारा हाथ को साफ रखना पहला जरूरी होता है। और हर बार हाथ साफ रखना, दूसरे साबुन या हैंड वॉश से यूज करना, इसमें क्या होता है पानी और पैसा दोनों का ज़्यादा खर्चीला साबित होगा, इसलिए ये सारे को दृष्टि रखते हुए ये हैंड प्रोटेक्टर यानी कि एज ए हैंड सैनिटाइजर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरकार की सैनिटाइजर गाइडलाइन के हिसाब से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि रबिंग अल्कोहल एंटीसेप्टिव के हिसाब से काम करता है, के साथ साथ बाकी जो ट्राई एथनामालाइन जो कि एक pH बैलेंस के हिसाब से ये
मतलब यूज किया जाता है, जैसे हमारा स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है उसका लेवल रखने के लिए ये यूज किया गया है। नेक्स्ट है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो कि यदि ये इसीलिए मिला गया है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जैसे हम क्या करते हैं हैंड सैनिटाइज कर देंगे, इस बार कोई फूड आइटम को टच कर सकते हैं तो टच करने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए चीज मिला हुआ है। नेक्स्ट है टोकोफेराइल एसीटेट, ये इसमें विटामिन ई है जो कि हमारा स्किन का इरिटेशन प्रॉब्लम या इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ होगा, इचिंग वगैरह होगा उसको जैसे नहीं होगा, इसलिए दिया गया। और एक है पॉलीसोर्बेट 20 जो कि ये मतलब सॉल्युबलिंग एजेंट है जो कि किसी भी पानी में सॉल्युबल हो सकता है, क्योंकि हम जब बाद में वॉश करेंगे हैंड को, हाथ को धोएंगे भी तो ज़्यादा ये ऑयली नहीं होगा या ज़्यादा रफ नहीं होगा, इसलिए ये चीज मिला गया है। आदि जो है वो 30% के हिसाब से, बाकी जो आपका मैं बताया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% और ये रहा 30% ऐसे प्रस्तुत किया है, जो कि संपूर्ण रूप से हर प्रकार नुकसानकारी बैक्टीरिया वायरस को सफाई के लिए मदद करता है, और साथ साथ इसमें मौजूद एलोवेरा जो कि हमारा हाथ को कोमल और बाकी नुकसान से भी दूर रखता है। इसका 200 ml पूरा सीसी 250 रुपये में मिल जाएगा, और साथ में आपको 15.5 PV भी है। नेक्स्ट है वेदव्यास का लेमन फेस वॉश। ज़्यादातर लोग को पता है हमारे शरीर और चेहरे का त्वचा में बहुत अंतर है, इसलिए जो हमारे शरीर के दूसरे त्वचा से मुंह के लिए थोड़ा अलग देखभाल करना जरूरी होता है, इसलिए हमारे ये फेस वॉश खास ध्यान में रखते हुए नींबू रस जिसको लेमन जूस बोलते हैं, पुदीना तेल जिसको मेंथा आर्वेनिस बोलते हैं, ये बटनिकल नेम वगैरह, तुलसी जो बासिल इसको इंग्लिश में बासिल बोलते हैं, इसका बटनिकल नेम है ओसिमम सैंक्टम। नेक्स्ट है टी ट्री ऑयल जिसका बटनिकल नेम है मेलालिका अल्टरनिफोला ऑयल, और ये क्लिंजर बेस के साथ तैयार किया गया जो कि आपको चेहरे को साफ रखने के साथ साथ मुंह को जैसे किल मुहासे यानी कि एक्नी जिसको बोलते हैं, फुंसी यानी पिंपल्स बोलते हैं, दाग धब्बे यानी कि जो ब्लैक हेड्स होता है आदि त्वचा रोग को ठीक करने का विशेष काम करता है, और त्वचा को चमकदार सतेज रखता है। इसको सुबह शाम दिन में 2 बार और ज़रूरत पड़ने पर आपने 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम फेस वॉश से भी बहुत कम कीमत में यानी कि 60 ml मात्र 75 रुपीज़ में मिलता है, और इसका PV है 2.5। नेक्स्ट है वेदव्यास एलोवेरा जेल। हम जब चेहरे के कोई फेस वॉश के साथ धो लेते हैं तो चेहरे के छिद्र यानी कि एक पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिस पे कई सारे मैला या डस्ट बैक्टीरिया घुसने का रास्ता मिल जाता है, साथ साथ सनलाइट का नुकसान वाला तेज रश्मि भी कई सारे नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या को देखते हुए एलोवेरा जेल प्रस्तुत किया गया जिसमें 98% एलोवेरा जेल यानी ग्रुत कुमारी और 2% रोज एक्ट यानी गुलाबकांस मिलाकर तैयार किया गया, जिसको हम चेहरे को साफ करने के बाद हल्का सा चेहरे के ऊपर लेके क्रीम की तरह हल्के हल्के में घुमा कर लगाए जब तक त्वचा के अंदर ही सोख ना जाए, पूरी तरह ही मिल ना जाता है। इसको हम बाहर जाते हुए गर्मी में सनस्क्रीन की तरह लगा करके मतलब स्किन के ऊपर ठंडक रखेगा, रात में नाइट क्रीम की तरह भी लगा सकते हैं, शेविंग के बाद आफ्टर शेविंग लोशन की तरह भी लगा सकते हैं, और कहीं जलने कटने पर भी हमने इसको लगा सकते हैं, और लगाने के बाद अभी कुछ देर के बाद धोना है तो ठंडा पानी में धो सकते हैं। और भी कई सारे इसके फायदा है, आपको थोड़ा बहुत तो एलोवेरा के बारे में आपको जरूर पता है, इतने सारे फायदा वाला ये 50 ग्राम डीबी का कीमत मात्र 65 रुपये और साथ में PV 2 है। नेक्स्ट 10वीं आता है वेदव्यास तुलसी सब। चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग को अभी भी साबुन के दीवाने हैं, इसलिए खासकर उन लोगों के लिए एक खास किस्म का साबुन बनाए जो कि पूरी तरह हर्बल के हैं, और ये तुलसी बड़ी सब एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से प्रस्तुत किए गए जिसमें नीम तुलसी बादाम नारियल अरंड के तेल साथ में टी ट्री ऑयल भी मौजूद है, और ये सभी त्वचा के कहीं भी नुकसान होने नहीं देता, साथ साथ में जो भी स्किन डिजीज जैसे रिंगवार पिंपल ये सारे का सफाया करके शरीर के त्वचा को नेचुरली चमकदार रखता है, और उसके 75 ग्राम मात्र 60 रुपये में आपको मिल जाएगी, साथ में इसका PV 2 है। नेक्स्ट वेदव्यास टर्मरिक सब। ये साबुन भी सेम तुलसी सब की तरह है, बस तुलसी जगह
हल्दी हिम है और ये एंटीसेप्टिक सब है जो कि त्वचा को कोमल ठंडक के साथ चमकदार और त्वचा को कई सारी बीमारी को भी ठीक करता है। और ये आम बाजार में मिलने वाला एंटीसेप्टिक सब से कहीं गुना बेहतर है और ये कीमत बराबर 75 ग्राम को 60 रुपी और इसका PV 2 है। नेक्स्ट और कहीं भी सारे अपकमिंग प्रोडक्ट जैसे कि तुलसी गिलय जूस टूथपेस्ट मल्टीपर्पज क्लीनर डिटर्जेंट लिक्विड एंटी डीजीटी आदि बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये वीडियो आप देखते हुए आपको कोई भी चीज़ यदि पसंद लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और यदि कुछ क्वेश्चन करना है तो कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला जो बहुत मतलब बेल है उसको बजा दीजिए जैसे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चीज़ के ऊपर यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट आ रहा है आपको उसके ऊपर जानकारी मिलेगा, बिजनेस के ऊपर जानकारी मिलेगा, नए नए प्लान के ऊपर आपको पता लग जाएगा। तो ये ज़रूर आपने सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोग को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।